गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप आप लोग ठीक ठाक मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे हम कैसे थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग ही बोलते हैं ना भाई इसको, ये गेहूं को, ये को, बार्ली को थ्रेशिंग कैसे करते हैं। खैर, आजकल के ज़माने में तो थोड़ा सा मॉडर्न हो लिए हैं, ये मशीन में करते हैं, नहीं तो पहले ज़माने में तो हम क्या करते थे, घोड़े से करते थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी कल हमने तैयारी किया है, अभी चलाएंगे हम फटफटिया, लेकिन इस चीज़ को चलाने में बहुत डर लगता है भाई, ये तो चला लेते हैं इसको। वो जो हैंडल है ना, हैंडल वाला बार, उधर फंसने का डर रहता है। हाँ, निकल गया, ये देखो चल पड़ी है, लेकिन मेरे को डर ये लगता है कि उसका ये रास्ता निकल ना जाए, पक्का निकलेगा, देख लियो। कुछ तो अनहोनी का होने का चांस है। ये डब्बा खुला ने, और क्या अपना भूसा यहां से बाहर आएगा, अपना बाली, और धूप भी काफी आ चुके हैं। चलो जी, हो गया शुरू। मैंने बताया था ये वाला उखड़ जाता है, बाल भाज गया इस साइड में, मैं नहीं था, बाल भाज गया रे बाबा। मैं उधर से पानी ला रहा था, ये बंदा यहाँ से डर रहा था, यो खड़ा से आवाज आया, रे बाबा बाल भाज गया हम। हो, तू कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, वहाँ पे था, और उसको खत्म कर देते, अब खत्म करता ना, अभी शुरू किया तो अभी अच्छा मौसम है, सुहाना है, थोड़ा सा तो चढ़ा है, कौन सा रेस्ट मिलेगा। तो भूख भी तो लग रहा है। हाँ, भूख लग रहा है, सुबह सुबह इतना सारा चिक्का पिया। तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, धनिया मिर्ची पिया इसमें, और इसमें वो है ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम, ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर आए। ओ, मेरा यार चश्मा लेके आना, भूल गया, को यहाँ से वहाँ पे ढोना है, वहाँ पे उसके बाद यहाँ वो वाला खेत बच गया, और नीचे और एक खेत है, उसको भी लाना पड़ेगा, शाम तक तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो जाएगा।
अभी हमारे पास डीजल नहीं है, थोड़ा सा डीजल है, तो जब तक डीजल आएंगे या 2-3 लीटर बच गए वो खत्म होने तक हम करेंगे, उसके बाद फिर शाम को डीजल आएगा। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को ये मशीन कैसे काम करती है। तो ये है गाइस जाएगा, और ये भूसा घास, और ये जो खराब अनाज बाहर आ रहे हैं, बाली जो खराब है, और उस साइड में तो वहाँ निकल रहा है और साफ है, उसको हम बोरियों में लोड करेंगे। तो ये तो डालता जाएगा। गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ये वाले मशीन में, ये बार बार निकल जाता है। अभी फिर से ये निकल गया, अभी जनरेटर बंद कर रहे हैं। इसका सबसे खतरनाक पार्ट क्या है गाइस, आप लोगों को बताऊं तो कभी कभी ये वाले बेल्ट यहाँ से निकल के इस तरफ आ जाते बाहर की तरफ, फिर तो जो बंदा इधर बैठा होता है उसका तो वाट लगने का चांस है। तो अभी तो फिलहाल तो ये अच्छा हुआ कि अंदर की तरफ ये निकल गया। क्या सोल्यूशन रहेगा इसका, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ से कोई चीज़ वेल्डिंग लगा के ऐसे करके यहाँ तक ऐसे करके रखे तो ठीक है, ये भी तो निकल जाए। यो क्या है, सब कुछ निकल जाता गाइस यहाँ का। यार क्या ही करना पड़ेगा, बार बार निकल जाता है। तो फिर से एक बार स्टार्ट, धुआं धुआं और जगह धुआं ही धुआं है गाइस। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थम्स अप पी लिया, मेरे लिए पे छोड़ियो। मैं तो परसों से कल से सर का वाट लगी पड़ी है, परसों से अभी फट रहा है, लेकिन इस साइड से फट रहा है, कल से यहाँ से फट रहा था कल। तो अभी जब कल सोया था ना कल, अभी यहाँ से थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा सा यहाँ से फट रहा है, ठीक है। चलते चलते उधर मेला लगा है, तो है नहीं। तूने बोला मेला लगा है, उधर छंटो भी हैंगा। अबे मैं बोला सब कुछ 50% में मिल रहा है सेल में, ऐसा तो बोला था। अभी 8 अगस्त यही पी लेता हूँ। तो गाइस अभी लंच टाइम अभी ख़त्म हुआ, अभी टाइम हो रहा है। ओह कितना आ रहा है, टाइम हो रहा है 2:30। इससे पहले ख़त्म होना था लेकिन ये बेल्ट बार बार उतरता गया, उतरता गिरता रहा, तो टाइम बहुत लग गया। अभी ये वाला बचा हुआ है एक, और इतना एक खेत नीचे है बस। तो अभी चलते हैं अंदर, लंच करते हैं, लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे लगभग घंटा, उसके बाद फिर
धूप इतना तेज आप लोग को क्या जल जाए कुछ। खाते हैं गाइस लंच। लंच के बाद एक घंटा सोएंगे हम छोटे मन। अच्छा किया दाल बनाया, नहीं तो सब्जी तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। यो चलेगा। अभी मैं बनाने लगा हूँ कुछ मजेदार चटनी। इसको इसके अंदर डालना है सबसे पहले। तो गाइस मैंने कुछ ऐसा कुछ बना लिया है, अभी इसका टेस्ट कैसा होगा पता नहीं, टेस्ट करता हूँ मैं। पानी की जरूरत नहीं खाने में, अब मजा है। लंच के बाद गाइस एक घंटा सो गया था, अब उठ के फिर थोड़ा काम पे चलते हैं। अभी धूप चला गया, जब धूप चला जाता है तो फिर काम करने में मजा आता है, नहीं तो गाइस इतना गर्मी है पूछो मत। तो वहां से तो चालू हो गया गाइस पहले से। तो गाइस अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा इस बंदे को। अरे ठीक है चलेगा हाँ खाना मैं आऊ हूँ। तो मस्त हो के बंदा काम कर रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं दुनिया का सबसे खतरनाक काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला बेड निकल भी सकता है, अगर निकल गया तो मेरा वार लग जाएगा और फिर भी जाना तो पड़ेगा। बाद में से हो के दूर हो के इसको बड़े करे बाबा। शाम होने को चला है, अभी हम बस ये लास्ट है, इसके बाद हम बंद करने वाले हैं। अभी चाय पिया था हमने, तो गाइस कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो अंत हो चुका है आज के दिन का। आज दिन के मेहनत को देखते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या दिन के मेहनत का फल हमें मिला है। कुल मिला के ये वाला बैरल भर के हमें अनाज मिला और एक बोरा यहाँ भी है और इतना सारा भर के हबूसा है, भूसा जो अगले आने वाले दिनों में गायों का मजा होगा, उनका पिकनिक मनाया जाएगा वो लोग। तो और क्या मिला हमें, दो ही चीज़ मिला ना। हाँ तो नीचे मिला, उस पर मिला, उस पर क्या मिला, हाँ इधर पे थोड़ा सा मिला। अभी इसको दोबारा छांटा जाएगा जब हवा के साथ। और इसके नीचे हमें मिला बहुत सारा रेतीत। चलो गाइस ठीक है, होप आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगी होंगी। अगर हमारी मेहनत
अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो घंटा है बेल का घंटा उसको दबा देना, उसको दबा देना, दबा देना। इधर हर रोज़ बोलना पड़ता है, उसको दबा देना, ताकि आप लोगों को जैसे नोटिफिकेशन, जैसे वीडियो को या न्यू डाले तो आपको आ जाए नोटिफिकेशन आपको। तो गाइस रखते तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना और दबा देना शायद वाला। चलो जी।